अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमल और आप देख रहे हैं अजमल FX.com। ऐसा है कि हम लोग आप लोगों के साथ फ्री में एनालाइज करके उसकी वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही आज हमने एक और पेयर जो है वो सिलेक्ट किया है, उसका नाम है यूरो यूएसडी के ऊपर आज हम एनालाइज करके ट्रेड करेंगे। तो यूरो यूएसडी टाइम फ्रेम हमने शॉर्ट टर्म लिया हुआ है H1 का, ठीक है, और इसके ऊपर अब हम शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेड करेंगे। ऐसा है कि इसको मैं तो कर रहा हूँ सेल, उसकी रीज़न जो उनसे वो ये है कि मार्केट पीछे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए, यहाँ से हाई बना, हाई के बाद लो मार्केट गिरती, और अभी इस टाइम मार्केट ने पिछले एक घंटा या दो घंटा पहले मार्केट ने ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन को, लेकिन रीटेस्ट करने के लिए वापस निकल गई। तो इस टाइम जहाँ पे मार्केट खड़ी है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वापस गई, वापस जाने के बाद जहाँ पे इस टाइम रुकी हुई है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। और 95% जो है इसके चांस हैं कि ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी और ये नीचे आएगी। सो अभी आप इसका थोड़ा सा वेट करें, एक घंटा लगा लें, एक घंटा जो है वो इसका आप इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद जो है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे आती है, तो इसको आप सेल करें, और सेल करने के बाद जो है आप इसका वेट करें, डे प्रॉफिट 50 पिप रख लें और स्टॉप लॉस जो है वो 30 पिप रख लें। तो इससे आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है और इससे फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था, इसको आप इस वीडियोस को पूरा देखें, फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्री में एनालाइज करने के लिए या फोरेक्स के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वो आप ले सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं फोरेक्स के रिलेटेड। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।